सदर ममलकत आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या फिर मुस्ताफी हों। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का मुतालबा, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज जवाब दो, कौन इस हुकूमत को लाया? अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाएगा, तूफान भी आ सकता है। शेख रशीद ने कहा, सूबाई और मरकज के इलेक्शन एक साथ होंगे। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। जो ये सियासी तौर पर पक पक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुरत करो, बताओ किसकी हुकूमत है। सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे, अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है, उनको पता है ये चोर हैं।